जैसे कि हमारे संचालक जो बोल रहे हैं कि वो गर्ल्स के ऊपर नहीं बॉयज के फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा गर्ल्स छोड़ देती है और बॉयज बेचारे दर्द में रहते हैं। तो इस बार मैं कहती हूँ, बताने चाहती हूँ कि बॉयज हमेशा धोखा नहीं देते हैं यार, उनके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं तुझे भी सफ़र नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझे भी सफ़र नहीं छोड़ना चाहता, तुझे तोड़ना मेरा मकसद नहीं है। मैं तुझे भी सफ़र नहीं तोड़ना चाहता, तुझे तोड़ना मेरा मकसद नहीं है और तेरे साथ मेरा नसीब नहीं है। मैं चाह कर भी तुझे अपना बना नहीं सकता, तू पसंद है मुझे पर मैं अपना कह नहीं सकता। तू पसंद है मुझे पर मैं तुझे अपना कह नहीं सकता, मैं बंधा हूँ मुझे मजबूर ना कर, तुझसे दूर रहना मेरे लिए भी आसान नहीं है। मान भी जा मैं साथ निभा ना पाऊंगा, तेरी मुस्कुराहट मुझे भी प्यारी है। ये बात और है कि मैं तूने कभी कहा नहीं कि तू हंसती हुई खूबसूरत लगती है। तेरे आंखों के काजल से ज्यादा मुझे तेरा हंसता चेहरा पसंद है। मैं जानता हूँ मुझे देख तेरे चेहरे की तपस्सुम और भी निखरने लगती है। थैंक यू। मैं जानता हूँ मुझे देख तेरे चेहरे की तपस्सुम और भी निखरने लगती है, और मुझे छुप छुप कर जो तू देखती है ना, जो मुस्कुराती है, मैं सब जानता हूँ। पर तू नहीं जानती कि मैं कुछ किस उलझन में उलझा हूँ। जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया ही नहीं जहाँ मुझे रास्ता नजर ना आया हो। बस तेरा ही केस ऐसा है जहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरे पास आकर मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, तुझसे दूर रहकर खुश भी नहीं हूँ। यार तेरी खामोशी मुझे बेचैन करती है, न चाह कर भी तेरे बारे में सोचने को मजबूर करती है। तू ठीक है ये जानना चाहता हूँ पर तू जानती है ना, सुनने में अच्छा हूँ। मुझे बयां करना नहीं आता, ये सब मेरे लिए नया है। मैं कभी इस दौर से नहीं गुजरा, डर लगता है प्यार से, नए रिश्ते से। मैं क्लियर हूँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है समझ नहीं पा रहा। किसी ने हमसे पूछा कि वो आपके हैं कौन, हमने मुस्कुरा कर कहा, कोई नहीं, वो है ही हमारे। ओके लास्ट वन।